अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है फैशन मर्चेंडाइजिंग। बेसिकली फैशन मर्चेंडाइजिंग का पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं देखा जा रहा, लेकिन बाहर वेस्टर्न ममालिक में इसका काफ़ी ट्रेंड देखा जा रहा है, क्योंकि बाहर ममालिक में फैशन से बिलोंग इंडस्ट्री है, जिस वजह से उनकी फैशन मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे है। पाकिस्तान में इसका आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आ रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि फैशन मर्चेंडाइजिंग होता क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको कि फैशन मर्चेंडाइजिंग क्या होता है। ये देखें, ये मेरे सामने मैनिक्विन है। फैशन मर्चेंडाइजिंग में ये होता है कि एक डिज़ाइनर एक स्केच बनाता है पेपर पे, पेपर पे वो स्केच बना के आया कि वो उसने एक शर्ट बनानी है, उसके साथ ये शर्ट के साथ जो सा मैचिंग ट्राउज़र बनाना है वो क्या होगा, इस शर्ट के साथ कौन सा मैचिंग स्कार्फ है या शाल है वो किस तरह की होगी, इस कंप्लीट चीज़ को स्केच बना के फिर इसको कपड़ों की शक्ल में तैयार करके जो कि डिस्प्ले लगाना है और अपनी आउटलेट पे ला के जो सी प्रोडक्ट इस तरह की हम सेल करेंगे, इस सारे प्रोसेस को, इस होल प्रोसेसेस को हम फैशन मर्चेंडाइजिंग कहेंगे। फैशन मर्चेंडाइजिंग उसको भी कहा जा कैट वॉक में और रनवे में, जहाँ भी जो से प्रोडक्शन की जो सी चीज़ें होती हैं फैब्रिक वगैरह उनका डिस्प्ले करके उनकी मैगजीन बनाते हैं या फैशन शोज़ होते हैं, उन सब चीज़ को, उन सब इंडस्ट्री को फैशन मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें जानने के लिए मेरे उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जल्दी।